जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम नानशी के मेन रोड पर पहुंची है, जहां पर आप देख सकते हैं शिवसेना के द्वारा एक रैली निकाला जा रहा है। और ये रैली राजस्थान उदयपुर में जो कन्हैया लाल के साथ हिंसा हुआ है, उस हिंसा को लेकर के ये रैली निकाला जा रहा है। यहाँ पर शिवसेना के लोग, काफी लोग मौजूद है जो ये रैली निकालने के लिए तैयार है। और ये रैली अभी जिला स्कूल से निकल करके अल्बर्ट का ये बहुत गलत हुआ है। जो हमारे कन्हैया लाल थे दर्जी राजस्थान के उदयपुर से, उनका जिहादियों द्वारा गर्दन काट कर निर्ममता से हत्या कर दी गई। ये बहुत ही सरकार के लिए और पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की आगे जो भी जिहादियों द्वारा ऐसा अगर फिर से हुआ तो हिंदू हितों का अगर हनन हुआ तो फिर खून बहेगा सड़कों पर। एकदम चेतावनी है, लास्ट वार्निंग है, समझ जाइए। इसके बाद भी नहीं समझे तो फिर जो इनके साथ हुआ फिर अपना देश देखेगा, फिर देखेगा। हम लोग राष्ट्र छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के वंशज हैं, काट के फेंक देंगे, उड़ जाएंगे सब। यही लास्ट वर्ड है, चेतावनी खत्म। क्या बोले, कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हिंदू हित का ही हनन होगा तो खून बहेगा सड़कों पे, चेतावनी नहीं है, वार्निंग है, लास्ट वार्निंग। किसको लास्ट वार्निंग है? जो हिंदू का हनन करेगा। जैसा कि आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पुलिस प्रशासन है वो भी तैनात हो चुके हैं, अपने दल बल के साथ तैनात हो चुके हैं कि यहाँ पर अगर जो शिवसेना है वो रैली निकाल रही है, यहाँ पर कुछ गलत ना हो इस चीज के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पुलिस मांग करके इसे यहीं पर रोकना चाह रही है, क्योंकि आगे अगर जाएगा तो हो सकता है आगे कुछ माहौल गड़बड़ा जाए। इस चीज़ को लेकर के पुलिस यहां पर इस रैली को, इस जो भी ये निकाला है शिवसेना ने रैली, इसको यहां पर रोकने की कोशिश कर रही है पुलिस थोड़ा तैनात हो रही है अपने साइड से। आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है इस रैली को लेकर के, ये जो रैली निकाला जा रहा है इस रैली को लेकर के आप देख सकते हैं पुलिस में चाहे जो जनता है उसमें बहुत आक्रोश भरा हुआ है। जो उदयपुर में घटना हुआ है इस घटना को लेकर के पर उनकी नियुक्ति सीधी है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। आइए हम यहाँ पर बात करेंगे, जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। मीडिया से भी बात नहीं करने दिया जा रहा है, मीडिया से बात करने के लिए तो रोका ही जा रहा है, प्लस जो ये रैली निकाल रहे हैं उसके लिए भी इनको रोका जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कुछ बातें हुई प्रशासन से। आप लोग देख ही रहे कि आज हम लोग यहाँ पे किसी का हत्या हो गया उसी के लिए हम लोग आज विरोध यहाँ पे करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से हम लोग जिला स्कूल यहाँ पे रोक दिया गया है। ये तो प्रशासन से पूछने की बात है, ये प्रशासन से आप लोग पूछिए। प्रशासन हम लोग आगे नहीं बढ़ने दे रही है, प्रशासन का ही कहना है कि आगे नहीं बढ़ना है, आगे आपके पास सूचना नहीं है, हार नहीं मान रहे। इन लोगों का कहना है कि आप लोगों को सूचना नहीं है, ये आप लोग सूचना नहीं दिए थे, कल भी निकाले थे। और यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, फिर अल्बर्ट का चौक में हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है, लेकिन हमारे साथ क्यों? और हम लोग जो भी कार्यक्रम आज तक किए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से किए हैं, कोई हवाल हम लोग नहीं किए हैं। आप लोगों को 10 जून भी आप लोग को पता होगा 10 जून में कितना कुछ हुआ था, लेकिन हम लोग उस तरह का हम लोग शिष्टाचार हम लोग कभी नहीं करते हैं, उस तरह से हम लोग कभी हो हंगामा या दंगा फसाद हम लोग करने वाले कभी नहीं है। हम लोग कानून के साथ हमेशा रहते हैं, कानून के साथ रह करके हम लोग कार्य करते हैं। अब क्या करेगा शिवसेना? इसी के लिए पूरा देश से विरोध हो रहा है, हम लोग भी विरोध कर रहे हैं, पूरा देश से विरोध हो रहा है और इसका पूरा देश से विरोध होना चाहिए। और विरोध नहीं, हम तो सीधा सीधी पूरा हिंदुओं को इस बात को बोलना चाहेंगे कि इस पर सीधा सीधी एक्शन होना चाहिए। अपना रक्षा करने का मुझे अपने आप का रक्षा करने का जिम्मेदारी मुझे खुद उठाना पड़ेगा। क्या एक्शन लेना उचित रहेगा? पुलिस सिर्फ प्रदर्शन रोकने के लिए बनी है आपकी नज़र में?
अब ये बात तो प्रशासन से आप लोग को पूछना चाहिए। आगे आप क्या करेंगे? आप बोलिए, अभी अभी रोका भी आपको। हम लोग को आगे हम लोग को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हम लोग प्रशासन से हम लोग अनुमति मांग रहे कि हम लोग ये शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग को ये अपना कार्यक्रम ये पूरा करने दिया जाए। यही हम लोग करेंगे, यही हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग यही विरोध करके अपना अपना जो विरोध है उस विरोध को हम लोग समाज के सामने लाएंगे हम लोग। कि आपने देखा कि जो यहाँ पर रैली निकाले उनका क्या कुछ कहना है कि उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है, जिला स्कूल के पास रोक दिया गया है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। इनका कहना है कि 10 तारीख को भी अगर हिंसा हुआ था तो उस हिंसा के बारे भी लोगों को नहीं पता था, फिर भी उस हिंसा में कितने लोग शामिल थे। और आज अगर इस चीज़ को लेकर के किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, किसी को न्याय दिलाने के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो शिवसेना वालों का कहना है कि इन्हें क्यों रोका जा रहा है यहाँ पर। और इनका कहना है कि अगर हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो हम यही जिला स्कूल में ही हर कुछ करके, हर कुछ यहीं पर पुतला दहन करके समाप्त करेंगे। रांची से सहयोगी शिखर श्रेया के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।